ये जो माटी मुटी खोद रही है इस तरीका से, ये जैसे भी नीचे गई है उस तरीका से दबी है सर, खोदते टाइम दबी है। रोटी खाते नहीं, सुबह सुबह कौन रोटी खाएगा, ये तो आप भी जानते हो। ये घटना है 10:32 की, ये 10:15 की घटना है। वैसे तो 10:32 में तो हमने निकाल के वापसी भेज दिया था यहाँ पर। ये 7 लोग दबे हैं यहाँ पे द्रापुर के अंदर। क्या क्या नाम है? एक्सपायर हुआ है, एक का कोला, एक का प्रियंका, एक का बिल्लो। जो रेफर किया गया है वो सीरियस है। क्या नाम है? एक बीरा देवी, एक बिमला देवी, और क्या नाम है एक का, नाम का नहीं पता मेरे को, नवीन की वाइफ। सातवा यही है, उसका नाम किरण देवी। और जो बची है, ठीक है, सुरक्षित है, वो सीरियस है, अभी यहाँ पे ही एडमिट है। कुल कितनी काम करेगी? कुल मैडम 8 महिला काम करती थी वहाँ पे। सर, पटोदी इलाके में 3 महिलाओं की मौत का मामला है, क्या कुछ मामला है पर बताएं सर। ये पुलिस स्टेशन पटोदी के अंदर गांव दारापुर पड़ता है, जहां मनरेगा के तहत एक खुदाई चल रही थी। तालाब की खुदाई के दौरान वहां पर मिट्टी साइड में इकट्ठी हो रखी थी, उस दौरान 8 महिलाएं उस मिट्टी की छांव के तहत रेस्ट कर रही थी। उस दौरान वो मिट्टी का जो ढेर था वो एक महिलाओं के ऊपर आ गिरा, जिस दौरान मौके से पहुंच के पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करा। एसडीएम पटौदी और एसडीएम एसीपी हमारे हरिंदर साहब जो पटौदी एसीपी हैं, उन्होंने वहां पर मौका मुआयना करके वो रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट करवाया, और उनमें से 8 महिलाओं को हॉस्पिटलाइज कराया गया है, जिसमें 3 महिलाओं को इलाज के दौरान वहां डेथ हो गई है। बाकी 5 महिलाओं की कंडीशन कैसी है? 5 महिलाओं को रेफर करा गया है गुड़गांव के लिए, उनकी अभी हालात स्टेबल बताए जा रहे हैं और इलाज चल रहा है। शुरुआत की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया सर? उसमें यह है कि वहां पर मनरेगा के तहत वहां पर जो इनको रोजगार दिया जाता है, उसमें 8 महिलाएं वहां पर कार्यरत थी, और उस दौरान ये वहां पर मिट्टी के ढेर जो वहां पर इकट्ठा हुआ था वहां पर ये रेस्ट करने के लिए गई थी, और छांव के वजह से तो वो मिट्टी का जो ढेर था एकदम से आके इनके ऊपर गिर गया। ठीक है सर, ओके।